दोस्तों एक बार फिर से स्वागत हो गया आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंपोर्टली फिलटेक में। मेरा नाम दिल साथ और आज की नई वीडियो में दोस्तों हाजिर हूँ एक बार फिर से एक T10 मैच का प्रेडिक्शन वीडियो से लेकर के, जो कि दोस्तों होने वाला है फैन कोड ACS वेरिएंट T10 का मैच नंबर 51, जो कि खेला जाएगा ALZ वर्सेस MAR के बीच में। गाइस इस मैच में अगर आप सोच रहे हैं अपनी फंटेसी टीम बनाने के लिए, चाहे वो ग्रैंड लीग हो दोस्तों, चाहे स्मॉल लीग, या तो हेड टू हेड कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक, दोनों तरफ से हम किन किन प्लेयर को लेकर के जा सकते हैं गाइस। और फिलहाल यहाँ पे डिटेल्स में आपको फुल स्टैट्स प्लेयर का मिलने वाला है गाइस, ठीक है, जैसे कि बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर और उसके साथ ट्रम्प प्लेयर, ग्रैंड लीग की पिक, इंपोर्टेंट 11 प्लेयर, ये सारी की इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बात करते गए ये मैच स्टार्ट कब होगा दोस्तों। मैच जो फिलहाल 15 जून इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग जो है 12:15 यानी कि दोपहर में खेला जाने वाला है गाइस। और किस ग्राउंड पे होने वाला है गाइस आपको पता है, T10 के मैच जो कि स्वीडन T10 के हैं वो सारे के सारे जो कि मास्टा क्रिकेट क्लब स्वीडन में पड़ता है गाइस, इसी स्टेडियम में मैच होते हैं। अगर हम बात करें इस मैच में दोस्तों इस वेन्यू का एवरेज स्कोर क्या रह सकता है, मतलब कितने रन यहाँ पे बन सकते गाइस, तो 110-112 तक का आपका स्कोर देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे जो रिसेंटली MAR टीम खेल करके आ रही है लास्ट मैच इस ग्राउंड पर, तो वो दोस्तों 200+ का भी बनाया गाइस। तो आप समझ सकते हैं कि MAR टीम अगर यहाँ पे बैटिंग करती है पहले, तो गाइस आपको 150+ भी स्कोर देखने को मिल सकता है। अगेन दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में, बैटिंग ऑर्डर के बारे में गाइस, तो वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। आप लोग जो है T10 मैच को जो वीडियोस प्रेडिक्शन मिलता है उतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं गाइस, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, मतलब वीडियोस को इतना ज़्यादा लाइक करते थे गाइस, जिससे कि क्या होता है गाइस, मैं वीडियो को कवर करने के लिए फिर से मतलब इतना ज़्यादा उत्सुक हो जाता हूँ गाइस कि मुझे कवर करना ही चाहिए गाइस और वीडियोस को आप तक पहुँचाना है। तो इसलिए गाइस अपना सपोर्ट बनाए रखें, अगर आपको इस प्रकार के वीडियोस चाहिए जिससे कि दोस्तों मैं मोटिवेट होता हूं अगर आप वीडियोस को लाइक करते हैं। मेरे भाई आपको कहूंगा नहीं कि आप वीडियोस लाइक करिए, अगर आपको पसंद आती है दोस्तों तब आप लाइक करिएगा। ओके बात करते हैं दोनों टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, ALZ की बात करते हैं सबसे पहले, बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। देखिए दोस्तों इस्माइल जिया जो कि विकेट कीपर सेक्शन से आपको मिले हैं, साद नवाज के साथ दोस्तों ये ओपनिंग कर रहे हैं, जो कि साद नवाज आपको बॉलिंग सेक्शन से मिलने गए। देखिए यहाँ पे T10 मैच में आपको पता सबसे ज्यादा ये पता होना चाहिए कि बैट्समैन या बॉलर्स कौन सा बैटिंग करता है और कौन सा बैट्समैन बॉलिंग करा रहा है गाइस, ये कंफ्यूजन आपकी दूर होनी चाहिए गाइस। तो इसलिए देखिए बता देता हूँ, साद नवाज जो कि बॉलिंग सेक्शन से मिले हैं बट ये बैटिंग करते हैं, वो भी ओपनिंग रिसेंटली करा है। उसके बाद यहाँ पे आजम खलील जो कि आपको बता दूँ ये आपको तीसरे नंबर पर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे गाइस आपको मिलेंगे जमीउल्लाह नियाज़ी जो कि विकेट कीपर सेक्शन से मिले हैं। समी खलील जगह की बात करते गाइस यहाँ पे ये आपको बैटिंग सेक्शन से मिल रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे कुदरतुल्लाह मीर अफजल जो कि मिलेंगे ऑलराउंडर सेक्शन से, जावेद दोस्तों दाऊद जई जो कि बॉलिंग सेक्शन से मिल रहे हैं, मुर्तजा सैयद जो कि बैटिंग सेक्शन से आपको मिले हैं बट उसमें बॉलिंग करा रहे हैं, उस्मान जब्बार की बात करते हैं दोस्तों ये आपको बॉलिंग सेक्शन से मिले हैं और बॉलिंग करा रहे हैं, कमरन राशिद जो कि दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से मिल रहे हैं, काशिफ अली जो कि आपको बॉलिंग सेक्शन से मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये बॉलर्स हैं ये बॉलिंग सेक्शन से मिले हैं बट बैटिंग कर रहे हैं और बैटिंग सेक्शन जो प्लेयर है वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कन्फ्यूजन आपके दोस्तों वीडियो में दूर करूंगा, बस आपको वीडियोज देखने गए। देखिए बात करते हैं यहाँ पर बॉलिंग ऑर्डर के बारे में, स्टार्टिंग के और इस टीम के जो कराते हैं कमरन राशिद काशिफ अली, मिडिल ऑर्डर में अगर बात करते हैं जावेद दाऊद जई और आजम खलील कराते हैं, और डेथ में आपको मिलेंगे उस्मान जब्बार कमरन रशीद गाइस, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सामने टीम के बारे में बात करते हैं यानी कि MAR टीम के बारे में, इस टीम के जो ओपनर है वकास हैदर सेरे अली गाइस, क्योंकि आप देख रहे हैं सेरे अली जो कि फिलहाल आपको सेंचुरी मार करके दे रहे हैं यहाँ पे रिसेंटली, मतलब 100+ रन बना कर इसी ग्राउंड पर। एंड उसके बाद यहाँ पे इनके साथ जो ओपनिंग करते हैं वकास हैदर जो कि ऑलराउंडर सेक्शन से मिल रहे हैं, तीसरे नंबर आपको मिलेंगे आरिफ हुसैन जो कि दोस्तों आपको ये भी ऑलराउंडर सेक्शन से मिल रहे हैं, हामिद सलारी दोस्तों ये भी आपको ऑलराउंडर सेक्शन से मिल रहे हैं, साहिद मुस्तफा जो कि बैटिंग सेक्शन से आपको मिल रहे हैं, फिर यहाँ पे हुमायूं जो कि विकेट कीपर सेक्शन से मिलेंगे, आपको मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करते नजर आएंगे, और अजमल रजक जो कि जो दोस्तों आपको बॉलिंग सेक्शन से मिल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे फहद वकास एंड उसके यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें मोहम्मद रहमान बैटिंग सेक्शन, फिर नजमुल हसन बॉलिंग सेक्शन से, जायरी बैग जो कि दोस्तों आपको बॉलिंग सेक्शन से मिल रहेगा। ये फिलहाल MAR टीम की बैटिंग लाइनअप और साथ साथ दोस्तों बैटिंग ऑर्डर रहेगा, प्लेइंग 11 रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं इस टीम के जो ओपनर रहने वाले हैं जायरी बैग, मतलब कि स्टार्टिंग को लेकर के आते हैं, ओपनिंग करते हैं नजमुल हसन, और मिडिल ऑर्डर पर दोस्तों आपको मिलेंगे नजमुल हसन, आरिफ हुसैन जो कि बॉलिंग कराते हुए, डेथ में आपको मिलेंगे सेरे अली और अजमल रजक जो कि यहाँ पे देखिए ये बैट्समैन भी है बॉलिंग भी कराएंगे, ये आपको देखना है, और साथ ही साथ ये 10वां ओवर लेकर के आएंगे टीम का गाइस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाइस, अगर ये आप समझ करके चलते हैं तो भाई आपकी टीम लॉस में कभी जा ही नहीं सकती। और मेरे भाई अगर आप इस मैच में हेड टू हेड खेलते तो ऐसी ऐसी पिक बता दूंगा जिससे कि आपके सामने वाला बंदा सोचेगा कि यार ये कहाँ से टीम बना कर क्या कहाँ से सीख के आएगा, ठीक है, और आप फिर से मेरे चैनल पर आएंगे और आप लोग फिर ये सोचेंगे यार काश इस चैनल को हमने सब्सक्राइब कर लिया होता तो देखे होते,
और ढूंढिएगा गाइस बट मिलेगा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसी इंपॉर्टेंट पिक आपको दे दूंगा जिससे कि दोस्तों आप सोच में पड़ जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का तो ज्वाइनिंग कर लेना, फर्स्ट कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको लिंक मिलेगा, जाइए ज्वाइन करिए बिल्कुल फ्री में, टीम वहाँ पर पाइए। और दोस्तों विनिंग टीम विनिंग रिकॉर्ड्स की बात करते गाइस मास्टर क्रिकेट क्लब जो कि इस मैच के लिए किस प्रकार से हो सकता है, ग्राउंड देखिए बैटिंग फेवर में रहने वाली है और पिच जो कि पेसर के लिए एडवांटेज देगी और यहाँ पे ओवरकास्ट वेथर रहने वाला, मतलब कि दोस्तों बारिश का कोई संभावना नहीं है, ठीक ठाक यहाँ पर मैच हो जाएगा। लास्ट 5 T10 मैचेस की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल जो है 55 यानी कि 55 विकेट हो चुकी है जिसमें कि 44 पेसर को मिली और स्पिनर को दोस्तों 11 विकेट। बट देखिए यहाँ पे स्पिनर और पेसर कुछ ज़्यादा मैटर करता नहीं गाइस, मतलब यहाँ पे स्पेल मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए अगर बात करें एवरेज स्कोर, मैंने कहा कि 112 115 और 120 तक का आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी MAR टीम जो कि रिसेंटली 200+ बना करके आ रहा है कि वो टीम पहले बैटिंग करती है तो कुछ अलग ही आपको यहाँ पे लेवल का स्कोर कार्ड जो कि देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करें दोनों टीम के हेड टू हेड के मैच जो कि लास्ट 5 ईयर्स में 2 खेले गए T10 के, जिसमें कि ALZ टीम ने दोनों के दोनों लॉस किए और MAR टीम ने दोनों के दोनों विन करेगा। तो MAR टीम जहां तक फिर से इस मैच को विन कर लेगी, यहाँ पे इस टीम को भले ही बैटिंग लाइनअप कमजोर बट एक बैट्समैन भी चलेगा तो समझ लीजिए कि अच्छा खासा स्कोर बनेगा। बट MAR टीम का दोस्तों जो बॉलिंग लाइनअप है ना बहुत ही कमाल का है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर रिसेंट फॉर्म के बारे में, देखिए ALZ टीम रिसेंट 5 मैच खेले जिसमें कि 500 को 500 विन है बट एंड यहाँ पे MAR टीम की बात करते हैं इस टीम ने जो कि रिसेंट 5 मैच खेले जिसमें कि 3 विन है और यहाँ पे 2 लॉस है। बट गाइस इस मैच के में जहां तक मेरा प्रेडिक्शन यही रहेगा कि MAR टीम मैच को विन करेगी और अच्छा मैच विन करेगा इस। अगेन आगे बढ़ते गए और जो अपडेट रहता है इस फिलहाल टीम का वो जानते हैं। एंड अगेन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं फिलहाल वो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगी, तो फटाफट आप लोग ज्वाइन करिए, फर्स्ट कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस मिल जाएगा आपका लिंक, तो फिर ज्वाइन कर सकते गाइस। अब दोस्तों सभी आते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्लेयर के स्टैट्स के बारे में, ALZ के जो टीम रहने वाली बैटिंग ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे देखिए ओपनिंग आपको पता है इस्माइल जिया जो कि विकेट कीपर है 7 नंबर के साथ ये ओपनिंग करते हैं। इस्माइल जिया की बात करते हैं रिसेंट देखिए 1-0-14-65-30-11-102 मतलब इनका एवरेज स्कोर रिसेंट का आप देख सकते हैं, मतलब किस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शतक ये भी बना कर रहे हैं। और हेड टू हेड दोस्तों ये पहले मैच होगा दोनों टीम के बीच में इस सीजन का। बाकी अगर बात करें टीम सिलेक्शन की तो मैं रख सकता हूँ गाइस, बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे देखिए हाई स्कोर भी इनका आ रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छे स्कोर बना सकते हैं। ग्रांड लीग में आपको ड्रॉप करने के लिए सोचना है दोस्तों, भले ही फ्लॉप है बट फ्लॉप नहीं होगा बंदा यहाँ पे मारेगा रन। 7 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन मिल रहा है देखिए 5-51-0+0 फिर यहाँ पे 2 विकेट फिर यहाँ पे 15 गज। सिलेक्शन कम होगा बट दोस्तों आपके टीम में ये भी रखने लायक प्लेयर रहेगा क्योंकि ओपनिंग करता है और साथ साथ दोस्तों बैटिंग भी ठीक ठाक 51 रन यहाँ पे बना रहा है आप देख सकते हैं। बॉलिंग भी अगर बैटिंग नहीं करेगा तो बॉलिंग पक्का कराएगा ये देखिए दो मैच हो गए यहाँ पे स्कोर नहीं आया तो बॉलिंग कराए, यहाँ पे फिलहाल ओनली बॉलिंग जिसमें विकेट मिलेगा समझ सकते हैं ये प्लेयर आपके लिए ट्रंप रहेगा लेकर जाएगा। आजम खलील की बात करते हैं गाइस ऑलराउंडर है फिलहाल 9-21-1-1 इनका रिसेंट फॉर्म है। आप देखिए दोस्तों ये जैक पॉट मैच है, यहाँ पे तो आप सिलेक्शन करने में भी बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे यार कैसे किन किन प्लेयर को हम अपनी टीम में रखेंगे क्योंकि सारे प्लेयर आपको इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देंगे तो वहीं से दोस्तों 2 ऐसे 3 प्लेयर होंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और वहीं दोस्तों आपको विन करवाएंगे तो आगे बताऊंगा इस तो वीडियोज में आप लोग बने रहिएगा। देखिए आजम खलील की बात करते हैं अभी फिलहाल के इनको हम पेंडिंग में डालते हैं ठीक है, पेंडिंग में डालने का मतलब ये है कि अभी इनको इग्नोर करते हैं, 2 प्लेयर को आप लेकर भी चलेगा। अब फिर यहाँ पे बात करते हैं जबीउल्लाह नियाजी की जो कि विकेट कीपर सेक्शन से मिला है, बढ़िया बैटिंग करें देखिए 16-7-2-39-49 गए, 2 प्लेयर आपको विकेट कीपर सेक्शन से मिला तो इनका देखिए बैटिंग ऑर्डर ठीक है 4th नंबर पर तो इनको हम अपनी टीम में पिक करके चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे समीर खलील की बात करते हैं जो कि बैटिंग सेक्शन से मिला है रिसेंट 4-25-12-5-20 इनका परफॉर्मेंस है बट इनसे हाइएस्ट परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर मिलेंगे तो अभी फिलहाल के लिए क्या करेंगे इनको हम ड्रॉप करके जाएंगे बट हेड टू हेड के लिए सिलेक्शन बहुत ही लो होगा, आपके हेड फुट के लिए बढ़िया पिक रहेगा बट ग्रांड लीग के लिए जहां तक मैं ड्रॉप करूंगा। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कुदरतुल्ला मीर अफजल की जो कि आपको ऑलराउंडर सेक्शन से मिल रहा है रिसेंट देखिए 11+3 विकेट फिर यहाँ पे 30+1 विकेट 58+1 विकेट यहाँ पे 16+3 विकेट गेस, आप इनका ही परफॉर्मेंस देख सकते हैं कितना ज्यादा भाई एडवांटेज है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से। और कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों इनको बहुत ही कम लोग ट्राई करेंगे मेरे भाई, आप रिस्क लीजिएगा ग्रांड लीग में ध्यान दीजिएगा क्योंकि इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कोई बनाने वाला नहीं है बट दोस्तों ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ALZ के जो और प्लेयर हैं उनके बारे में जानते हैं, डिटेल्स में जानेंगे और समझेंगे। तो फिलहाल देखिए आपको मिलेंगे जावेद दाविद जाइगेस जो कि बॉलिंग सेक्शन में आपको मिले रिसेंट फॉर्म देखिए कंसिस्टेंट है, यहाँ पर विकेट ठीक ठाक इनको मिल रही है तो यार बिना सोचे समझे आप रख लीजिएगा, अच्छी फॉर्म इनकी चल रही है। मुर्तजा सैयद की बात करते हैं जो कि आपको बैटिंग सेक्शन से मिलेगा, देखिए यहाँ पे रिसेंट अगर हमने कहा कि इनका बैटिंग सेक्शन आपको ये सोच रहे हो कि यार रखना है कि नहीं रखना, देखिए इनको बैटिंग यहाँ पे मिली यहाँ पे दोस्तों बैटिंग नहीं विकेट मिली गई ठीक है 1 विकेट बट यार ये ग्रांड लीग लिए तो रिस्क ही रहेंगे, इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे तो ड्रॉप करके चलेंगे। उस्मान जब्बार की बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन से मिल रहा है, देखिए रिसेंट इनका 4 मैच में 3 मैच में आउट ऑफ फॉर्म है, यहाँ पे 2 विकेट है तो इतना ज़्यादा रिस्क दोस्तों हमें ग्रांड लीग में लेना नहीं, ड्रॉप करके चलेंगे। कमरान राशिद की बात करते हैं इस बॉलिंग सेक्शन से आपको मिला रिसेंट देखिए यहाँ पे 3 मैच में आउट ऑफ फॉर्म थे बट यहाँ पे हाईएस्ट विकेट भी 3-3 है गाइस, ये ध्यान रखने लायक प्लेयर्स रहेंगे, थोड़ा सा इनके ऊपर रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं टीम में पिक करने का। काशिफ अली जो कि आपको बॉलिंग सेक्शन मिला रिसेंट देखिए 2 मैच में आउट ऑफ फॉर्म है गाइस,
तो इनको ड्रॉप करके जाएगा। देखिए आप लोग के माइंड में थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोच आ रही होगी, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो जीतेंगे कैसे। तो मेरे भाई आपको अंधी रिस्क भी नहीं लेंगे, किसी प्लेयर को भी आप रख ले रिस्क के तौर पे कि हमने रिस्क लिया है, ऐसा मेरे भाई बिल्कुल चलता नहीं है। ठीक है, आपको रिस्क कहाँ लेना होता है वो मैं आपको आगे टीम जब दिखाऊंगा, जब वहां पर मैं समझाऊंगा रिस्क आपको कैसा लेना पड़ता है। ओके, और ये मैच भाई जैकपॉट है, कमाने वाला मैच है, समझ लीजिएगा। अगेन बात करते हैं यहाँ पे एमएआर टीम के प्लेयर के परफॉर्मेंस के बारे में, वकास आयदर जो कि ऑलराउंडर है, रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं 28, 21, 31, 4 और 24 गेंद इनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। सिलेक्शन भाई बिल्कुल ना के बराबर होगा, ऑलराउंडर से मिल रहे हैं, बट आपको क्या करना रख लेना है गाइस, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप 28 से 21 रन भी बनाते हैं तो ड्रीम टीम में रहेंगे, तो आप समझिएगा टीम में आप इनको पिक करके चलना है। सेरियल लीगेज जो कि बैटिंग से मिल रिसेंट आप देख रहे हैं 108 रन प्लस एक विकेट, यहाँ पर बैटिंग नहीं मिली बट बॉलिंग दोस्तों कर रहे 12 प्लस 1 41 प्लस 0 गेंद। अगर ये फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते हैं तो मैं कहूँगा इनको कैप्टन बना कर देगा, फिर से एक बार इनको एडवांटेज मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे आरिफ हुसैन की बात करते हैं, ऑलराउंडर से मिल रहे हैं देखिए 22 प्लस 1, फिर यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग, फिर 38 10 प्लस 0 50 प्लस 0 गेंद। सिलेक्शन की बात करते हैं बहुत ही कम होगा इनका भी, बट यार कहीं ना कहीं एडवांटेज वाला प्लेयर है, देखिए यहाँ पे मैच चेंजर है, और अगर हम इनको ड्रॉप करने के लिए सोचेंगे गाइस तो ये फिर अगर 38 से 22 या विकेट ले गए तो फिर कहीं ना कहीं हमारी टीम पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। तो ये प्लेयर सिलेक्शन लायक हमारी टीम में रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्शन बहुत कम होगा, ये आपके पास ऑप्शन दे रहा हूँ, सिलेक्शन बहुत ही ना के बराबर होगा, कोई नहीं रखने वाला ग्रांड लीग में, खा सकते ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20% लोग, इस पे आप रिस्क ले सकते हैं, इसको कहते हैं रिस्क लेना, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। हमिस विलर की बात करते हैं, ऑलराउंडर सिक्स मिलर देखिए 49 3 प्लस 2, फिर यहाँ पे 6 प्लस 2 दो विकेट, यहाँ पे 16 प्लस 1, तो इनको रख ही सकते हैं और ये सभी के टीम में मौजूद रहने वाले। साहिद मुस्तफा जो कि बैटिंग से मिलने गए, देखिए यहाँ पे दो मैच में इनको फिलहाल बैटिंग नहीं मिली, उसके बाद यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे बैटिंग नहीं, फिर 16 गए, तो यार इतना ज़्यादा रिस्क हमें बनता नहीं है, ड्रॉप करके चलेंगे। हुमायूं ज्योति की बात करते हैं विकेट कीपर से, देखिए रिसेंट इनका भी फिलहाल बैटिंग बहुत डाउन है, इनको भी दोस्तों जो है आप ड्रॉप करके जा सकते हैं। अगेन बात करते हैं एमएआर टीम के जो और प्लेयर हैं उनके बारे में, किस हिसाब से हमें रखना है, किसको ड्रॉप करना है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें अजमल रजा की जो कि बॉलिंग से मिल रहे हैं आपको, रिसेंट देखिए दो विकेट जीरो और जीरो एक विकेट गए। हेड टू हेड की बात करते हैं आपको पता है सभी प्लेयर का जो कि पहला ही मैच होगा हेड टू हेड का एंड इस सीजन का गए। देखिए टीम सिलेक्शन की बात करें इनका भी थोड़ा सा सिलेक्शन कम होगा, बट ये भी रिस्क लेने लायक प्लेयर है कि देखिए लगातार यहाँ पे दो दो विकेट ये लेकर के आ रहे हैं। फर्द वकास की बात करते हैं जो कि आपको ऑलराउंडर सिक्स में लगे, देखिए इनको बैटिंग नहीं मिली और ना ही यहाँ पे फिलहाल बॉलिंग कई मैचेस में नहीं मिली गई, तो क्या करना है इनको ड्रॉप कर जाना है, इतना ज्यादा रिस्क लेना नहीं गाइस, नाम याद रखिए आपको ऑलराउंडर सक्सेस मिल रहे हैं। मोहम्मद रहमान की बात करते गाइस बैटिंग सक्सेस आपको मिला, देखिए बॉलिंग करा रहे हैं 2 विकेट 4 विकेट 0 2 4 सॉरी 0, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज है आपके ग्रांड लीग के लिए, पिक रहेंगे आप रख लीजिएगा। नजमुल हसन की बात करते गाइस बॉलिंग सक्सेस आपको मिला रिसेंट, देखिए 2 विकेट 3 विकेट 0 4 0 गाइस, इनका फॉर्म है ये भी ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं, हाईएस्ट विकेट ले रहे हैं, ये भी दोस्तों आपके टीम में रहने लग रहेंगे। अब बात करते हैं जहरी वैग के बॉलिंग सेक्शन से गाइस आपको मिल रहे हैं रिसेंट, देखिए 5 मैच में इनका ओनली एक ही विकेट है, तो यार आउट ऑफ फॉर्म है, इनको ड्रॉप करके आप जा सकते हैं गाइस। इस प्रकार से हमें टीम का सिलेक्शन करना है, मतलब प्लेयर को रखना है गाइस। अगेन आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आपने सब कुछ समझ लिया होगा। आप दोस्तों जब टीम बनाएंगे तो किस एप्लीकेशन पर खेलेंगे, तो मेरे भाई आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बैट बॉल इनको डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे इंटीफिका कॉम्पिटिशन देखते हैं अदर एप्लीकेशन से ज़्यादा, तो फिर यहाँ पे बेस्ट है। 525 के जो मैं कंटेस्ट बैट बॉल इन पर खेलता हूँ, तो आप अदर एप्लीकेशन पर 575 रुपये देते हैं, 50 रुपये की मेरी सेविंग है, और दोस्तों आपके 50 रुपये बिल्कुल फालतू जा रहे हैं मेरे भाई। तो आपको फालतू अपने पैसे फेंकने नहीं है गाइस, आपको सही जगह पर खेलना है, डाउनलोड कर लीजिए, फर्स्ट कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 1599 जो कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे तो अदर एप्लीकेशन पर दोस्तों 1749 रुपये का वही कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे, 150 रुपये की सेविंग दोस्तों आपकी हो जाएगी बैट बॉल पे, और 150 रुपये आपको फालतू जाएगा। तो फिर से कहूँगा क्यों भाई अपने पैसे फालतू में फेंकना, आप यहाँ पर देख सकते हैं हर कॉन्टेस्ट पर आपको सेविंग हो रही है, तो डाउनलोड कर लीजिए मेरे भाई। और साथ साथ देखिए डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आप फिलहाल क्यों खेलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक्सलेंट कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है, लिवेंटी फ्री रहती है, डिपॉजिट ऑफर भी मिलता है, साथ साथ डेली फ्री गिवेज आपको हर मैच में 2 टीम बिल्कुल फ्री आप खेल सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंटली विड्रॉल भी है, डिस्काउंट भी आप लगा सकते हैं, और मेरे भाई आप यहाँ पे लूडो वगैरह खेल करके भी पैसे कमा सकते हैं टीम बनाने के साथ साथ गाइस, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो बढ़ते हैं टीम की तरफ कि टीम का सिलेक्शन हमें कैसे करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ओनली डेमो टीम रहने वाले गाइस, बट यहाँ पे कन्फर्म थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजमेंट हो गए, तो वो टेलीग्राम चैनल पर, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए टीम का सिलेक्शन मेरे यहाँ पे देख सकते हैं। सैरिल को हमने कैप्टन किया, अगर यहाँ पे टीम पहले बैटिंग करती है एमएआर तो कैप्टन रहेंगे। खलील को हमने रखा है, एम रहमान को रखा गया, जिया को रखा है, हैदर को रखा गया, यहाँ पे खलील को वाइस कैप्टन किया गया। ठीक है, यहाँ पे मीर अफजल मैंने ऑप्शन दिया आपको कैप्टन वाइस कैप्टन का, ये भी ठीक रहेंगे। एंड सुलेरी की बात करते गए, यहाँ पे देख सकते हैं बॉलिंग सकते हैं जो कि हमारी टीम में प्लेयर रहने लगे। देखिए आप बता दूं, ये तो कैप्टन वाइस कैप्टन सभी के रहने वाले, यहाँ पे कोई नया नहीं, तो कोई इनको कैप्टन करेगा दोस्तों, कोई इनको कैप्टन करेगा, ये प्लेयर सभी के टीम में रहने वाले गए। बट आपके पास दोस्तों ऑप्शन क्या रहने वाला है, मतलब कि मैंने कहा कि रिस्क ये नहीं होता कि रिस्क लेना किसी प्लेयर को आप आंख बंद करके रख लेना टीम में, ऐसा रिस्क नहीं होता गाइस। रिस्क ये होता जो मैं आपके पास ऑप्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए
आपके पास रिस्क लेने का ऑप्शन किसके पास है? आरिफ हुसैन के पास, जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में अच्छी फॉर्म चल रही है इनकी, सिलेक्शन बहुत ही कम है, ग्रांड लीग में बहुत कम लोगों को ट्राई करेंगे। अजमल रजा के साथ आप रिस्क ले सकते हैं जो कि आपको बॉलिंग सेक्शन में मिलेगा, और कमरन राशिद के साथ ले सकते हैं जो कि दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में मिलेगा। ये तीन प्लेयर आपके रिस्क लेने लायक प्लेयर रहेंगे और आपके जीएल में दोस्तों बहुत ही ज्यादा अहम रोल निभाएंगे। सिलेक्शन कैसे करना गाइस, तो यहाँ पे आपको टॉस के बाद बताऊंगा इनका यूज कैसे करना गाइस। बाकी आप यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजमेंट करके इनकी प्लेयर्स को अपने टीम में जरूर रख सकते हैं गाइस। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा गाइस। बाकी कोई चेंजमेंट वगैरह होता है, अपडेट वगैरह होता है, तो मेरे भाई टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट मिलेगा। होप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रेडिक्शन वीडियोस के साथ में। चलिए मित्रों, छोड़ में जय हिंद जय भारत।